हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैम आपने जो ब्लीच से बालों को हाईलाइट करें, हमने बहुत ट्राई किया बट हमारा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आती है, किस वजह से, किस तरीके से आप कर रहे हो, तो क्या मिस्टेक हो रही है और क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत ही आसान तरीका है, ये वाला वीडियो देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करोगे तो आपका ब्लीच से बाल बहुत खूबसूरत हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा बालों का कलर बहुत ही प्यारा कलर आया है। आप नीचे के हेयर्स देखो, बहुत ज़्यादा कलर आया था, आई थिंक दिख रहा हो आप लोग को, बहुत ही प्यारा कलर है और बहुत इजीली हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, इस तरीके से कीजिए और जितना मैं टाइम बता रही हूँ उतना एकदम टाइम रखिए अपने बालों में ब्लीच को, तभी आपका परफेक्ट कलर आएगा। किस तरीके से ब्लीच को तैयार करना है सब कुछ बताया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाए और इस तरीके से आप करिए आपका कलर आ जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कितना टाइम रखना है, किस तरीके से ब्लीच तैयार करना है सब कुछ बताया है, कितना एक्टिवेटर लेना है तो आपका बालों का कलर अच्छा आएगा, तो ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इस तरीके की वीडियो और देखने के लिए, और बेल आइकन तो प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज ये वाला देखिए मेरा कलर कितना प्यारा आया हुआ है, एग्जैक्ट ऐसा ही कलर आया था। मैं ज़्यादा धूप में या फिर रूम में रहती हूँ इसलिए मेरे बालों में कलर नहीं दिखता है। नॉर्मल लाइट में आप रहिए तो आपका कलर ऐसा ही दिखेगा जैसा कि मेरा दिख रहा है। तो ब्लीच से बालों को हाईलाइट करने का सही तरीका क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कहीं कुछ छूट जाए फिर आप लोग बोलेंगे कि नहीं होता है, मेरा कलर फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर ओलिविया का ब्लीच ले रही हूँ, आप देख रहे हो इसका ये वाला डब्बा है, ये क्रीम बेस है और ये है एक्टिवेटर जो कि छोटा छोटा डब्बे में आपको दिख रहा है। तो सबसे मेन चीज़ इसमें एक्टिवेटर का ख्याल रखना होता है, एक्टिवेटर के जितना आप डालेंगे उसी हिसाब से आपके बालों में कलर आएगा। तो मैं एक्टिवेटर यहाँ पे पूरी सीसी में अप्लाई करूँगी, तो किस तरीके से कर रही हूँ वो आप देख लीजिए। ओलिविया का ब्लीच है, हर्बल है, हर्ब ब्लीच लिखा हुआ है इस पर। इसमें हल्दी, चंदन, एलोवेरा, नींबू है जो कि नेचुरल होता है, नाजुक त्वचा के लिए भी, मतलब सेंसिटिव स्किन पे भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, बहुत अच्छा है। तो चलिए किस तरीके से बनाना है वो बता देती हूँ। तो पूरा डिब्बी ब्लीच का इस वो एक्टिवेटर जो हमने अभी दिखाया था वो पूरा डिब्बी इसमें डालना है और 2 चम्मच क्रीम बेस ले लेना है और पूरा डिब्बी एक्टिवेटर डाल देना है। तो ये पहले से थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया तो प्लीज़ डोंट माइंड, ये एक्टिवेटर है। तो इसमें इस तरीके का पाउडर होता है, क्रीम तो आपको येलो कलर का ही मिलेगा और इस तरीके का पाउडर होता है जो कि मैं डाल दी हूँ। ये देखिए मैंने इसकी पूरी डिब्बिया इसमें डाल दी है, पूरी भरी हुई डिब्बी आपको 2 चम्मच के अंदर डाल देना है, तभी आपके बालों का बहुत परफेक्ट कलर आएगा। अगर आपको ज़्यादा कलर नहीं चाहिए तो आप बीच बीच में चेक कर लीजिए और उसके बाद हटा दीजिए। अगर ज़्यादा कलर चाहिए तो मतलब कम से कम इसको सूखने दीजिए, अगर आपको पूरा येलो कलर का कलर चाहिए तो पूरा सूखने दीजिए, डेफिनेटली आपका कलर आ जाएगा एकदम। मतलब आप इसको कम से कम बालों को पूरा सुखा लेना है, 1 घंटा कम से कम आपको बालों में ब्लीच को रखना है, ओके। और पूरी एक्टिवेटर की पूरी डिब्बी आपको ब्लीच के अंदर डाल देनी है, ओके। जितना आप क्रीम ले रहे हैं उससे डबल आपको एक्टिवेटर डालना है, तभी आपके बालों में अच्छे से कलर आएगा। तो ये है मेरे हेयर, चलिए हम इसको कलर करके दिखाते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको कम से कम 1 घंटा बालों में ब्लीच को रखना है, पूरा सुखा लीजिए अच्छा कलर चाहिए तो, और हल्का फुल्का कलर चाहिए तो आप आधे घंटे में धो दीजिए, और पूरा अच्छे से कलर चाहिए तो आप ब्लीच को बालों में पूरा सुखा लेना है, ओके। तो ये मेरे बाल हैं, पहले मैं नीचे पूरा अप्लाई करूँगी, तो टॉवल इस तरीके से लगा लीजिए ताकि आपके कपड़ों में ना लगे ब्लीच, बहुत ही अच्छा कलर आएगा। आई होप आपको ये वाला वीडियो देखने के बाद से सारी शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी कि फेक है ब्लीच से बाल हाईलाइट नहीं होते हैं। आप ये वाला ट्राई कीजिए, डेफिनेटली हाईलाइट होगा, 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि हाईलाइट हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, जहाँ पे भी आपको कलर चाहिए वहाँ पे आपको पूरा मतलब बालों को कवर कर देना है ब्लीच से, बिल्कुल भी बाल आपके दिखने नहीं चाहिए। तो ये देखिए मैं पूरा अच्छे से यहाँ पर अप्लाई कर ले रही हूँ ब्लीच को, तो इस तरीके से आपको आराम आराम से लगाना है। गाइज मैं बार बार बोल दे रही हूँ, 1 घंटे तक ब्लीच को बालों में रखना है, निकालना नहीं है, पूरा सुखा देना है ब्लीच को अच्छे कलर के। आपको पूरा वाइट गोल्डन कलर चाहिए तो आपको पूरा ब्लीच को बालों में सुखाना पड़ेगा, तभी आपका अच्छे से कलर आएगा। जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से आपको भी लगाना है। तो जैसा आपने स्टार्टिंग में मेरी पिक देखी एकदम वैसा ही कलर आएगा आपके भी बालों में और सारी शिकायत ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे बालों को मैंने अच्छे से कवर, तो इस तरीके से आप पलट लीजिए
और नीचे भी अप्लाई कर लीजिए। आप चाहो तो पोलथीन में भी डाल सकते हो, ऐसा मतलब पोलथीन में डालने के बाद हो सकता है कि वाइट हो जाए आपके बाल, तो मतलब ब्लीच से। और हाँ, कितने लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम ब्लीच से जो आपने हेयर कलर किया है वो कितने टाइम तक रहता है, तो ये आपका जब तक आप हेयर को कट नहीं करोगे तब तक ये कलर रहेगा, निकलने वाला नहीं है, हाईलाइट जैसा ही हो जाता है। ओके, और जब भी आप मतलब हाईलाइट करते हो बालों को, तो बाल हाईलाइट करने के बाद से, वॉश करने के बाद बालों में बहुत ज़्यादा ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, उससे आपके बालों को जो भी हार्म पहुँचा होगा वो मेंटेन हो जाएगा और जो भी नुकसान हुआ होगा वो ठीक हो जाएगा। जैसे डैमेज हो जाते हैं ब्लीच करने के बाद से बाल, तो वो भी ठीक हो जाएगा। ओके, कोई नुकसान नहीं है इससे, हेयर फॉल नहीं होता है, बस आप ध्यान रखिए कि आपकी जड़ों में ना पहुँचे। तो ये देखिए कितना अच्छे से मैंने कवर कर दिया यहाँ पर बालों को ब्लीच से, और इसी तरीके से आपको जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ आप लगा लीजिए। तो मैं थोड़ा सा इस साइड में भी लगाऊंगी, इस तरीके से पूरा गोल लेके जिग जग करके भी आप ले सकते हो, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हेयर लेके मैं लगा लूँगी। बहुत ही प्यारा कलर आएगा आपको, फाइनल लुक स्टार्टिंग में देखा आपने, बाद में भी मैं दिखा देती हूँ। तो जिससे भी नहीं हो पाता है प्लीज़ ध्यान से कीजिए। 2 चम्मच क्रीम ले रहे हैं तो पूरी बड़ी वाली एक्टिवेटर की डिब्बी, पूरा एक्टिवेटर आपको ब्लीच में डालना है। ओके, तभी आपके बालों में कलर आएगा, नहीं तो अच्छे से कलर नहीं आ पाएगा। ओके, तो इस तरीके से थोड़े थोड़े हेयर ले लेने हैं और फिर इसको भी आपको अच्छे से कवर कर देना है ब्लीच से। एक्टिवेटर पूरा डालना है और ब्लीच को 1 घंटे तक बालों में छोड़ देना है। चाहो तो आप सुखा भी सकते हो। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करना है, शैम्पू यूज नहीं करना है, शैम्पू आपको अगले दिन यूज करना है। ओके, और बालों को अच्छे से कवर करना है, तभी आपके बालों में अच्छे से कलर आएगा। हेयर हाईलाइट एट होम, ब्लीच से बालों को हाईलाइट करने का सही तरीका क्या है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। अगर आपने कलर किया आपको अच्छे से रिजल्ट मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप ट्राई करोगे। तो पूरा बालों को सुखा के उसके बाद वॉश करना है और एक्टिवेटर ज़्यादा डालना है। एक्टिवेटर क्या है, जो छोटी वाली डिब्बी आती है ब्लीच के अंदर वो एक्टिवेटर है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाला ब्लीच लेना, आपके पास जो भी ब्लीच हो, जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हो, और जो आपके पास घर पर पड़ा हो तो आप वो यूज कर सकते हो। इस तरीके से जिग जैग करके आप हेयर को ले लीजिए, जितना हेयर में ब्लीच करना है, और इस तरीके से पकड़ लीजिए। ओके, और उस पर अच्छे से ब्लीच का क्रीम लगा लीजिए। ओके, तो बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे भी लगा देती हूँ, इसके बाद मैं इसको सूखने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 1 घंटे के बाद मैं नॉर्मल पानी से इसको वॉश करूँगी। ओके, इस तरीके से पूरा बालों को कवर कर दीजिएगा और सूखने दीजिए, उसके बाद वॉश कीजिए। बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। जिसको भी प्रॉब्लम होती है कि मैम नहीं आता है कलर, फेक है वगैरह वगैरह, तो सबकी प्रॉब्लम इस वाला वीडियो को देखने के बाद से ख़त्म हो जाएगी और आई होप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए मैंने अच्छे से ढक दिया है, अब इसको छोड़ेंगे 1 घंटे के लिए बालों में ब्लीच। तो देख लीजिए किस तरीके से मैंने लगाया है। ओके, तो इस तरीके से कहीं कहीं पे मैंने अप्लाई कर दिया है, और अच्छे से इसको सूखने दीजिए। पूरा ब्लीच को सुखा लीजिएगा, इस तभी अच्छे से कलर आएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, और ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस का अच्छे से कलर हो गया, और जिसका नहीं हुआ दोबारा से वीडियो को देखिए और फिर अप्लाई कीजिए, तो डेफिनेटली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये देखिए 1 घंटे के बाद से बालों का कलर कुछ इस तरीके का है, अभी दिखा देती हूँ मैं। बहुत ही अच्छा और गोल्डन सा कलर आ गया बालों में। ओके,
तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कलर कैसे आएगा बालों में। वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल पाए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप देख सको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय। जरूर ट्राई करना और बताना कमेंट बॉक्स में, ओके, पक्का हो जाएगा इस पर, डन, ओके, बाय बाय।